हेलो, वापस आ गए हैं और हम लोग काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे कि आपको बताया था मैंने कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई बीच में, लेकिन अब मुझे काफ़ी इनकरेजमेंट मिला है इसके लिए। तो मैंने बीच से बनाना शुरू करी थी वीडियो, जितनी भी हैं मेरी 2 वीडियोज़ जो है मैंने बीच में बनाई थी, तो मुझे अब और है इंटरेस्ट इसमें बनाने में। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं पहले चैप्टर की। पहले चैप्टर की क्या, ये एक सीरीज होने वाली है जिसमें आप सभी के 11th के फाइनल एग्जाम तो होने ही वाले हैं, तो आप सबको रिवीजन करना ही है। तो मैं एक रिवीजन की सीरीज बनाने वाला हूँ जिसमें शुरुआत से लेके जितने चैप्टर्स हैं कोर्स में सारे कवर होंगे और एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता, इसलिए इसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आज पहला पार्ट है, पहला रिवीजन की सीरीज का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग पहले पार्ट में आज जो पहला चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का 11th का, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसका पहला पार्ट जो है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस और जो कंपैरिजन किया गया है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन बिजनेस और जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस की, तो हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट बिजनेस होता क्या है। बेसिकली बिजनेस का अगर हम लोग इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, उसका लिटरल मीनिंग देखते हैं उसका, तो बिजनेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हम लोग बिजी रहते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग को बिजी रखती है उसको बिजनेस बोलते हैं। लेकिन अगर उसके लिए प्रॉपर हम लोग बुक्स में जो डेफिनेशन दी हुई है अगर वो देखते हैं, तो बिजनेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें गुड्स या सर्विसेज को परचेज या सेल करने का इन्वॉल्वमेंट होता है और जो हम लोग प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं एक रेगुलर बेसिस पे। तो ये बेसिकली होता है बिजनेस का मतलब। बिजनेस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है सभी लोगों के ऊपर जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज सर्विसेज में बेसिकली और गुड्स सबको चाहिए होते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए, तो बिजनेसमैन वही उनको प्रोवाइड करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। तो मैंने आपको बताया बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है। अगर बिजनेस की डेफिनेशन हम लोग फिर से बोलना चाहें तो बिजनेस की डेफिनेशन हो सकती है, बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस एंड इट इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। एक और इसमें बहुत की वर्ड आता है जो अगर आप लोग लिखते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप सब सोच रहे होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, एक अर्निंग कमाने के लिए। कोई भी एक्टिविटी जैसे हम लोग करते हैं, फिर कोई भी सामान बेच रहे हैं हम लोग उसके बदले में पैसे ले रहे हैं, हम लोग कहीं पे जाके लेक्चर्स दे रहे हैं उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं हमको, हम किसी के नीचे काम कर रहे हैं उसके बदले में हमको पैसे मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। एनी एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग अ लिविंग इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसका ऑपोजिट क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग सिर्फ लव अफेक्शन और सिंपथी के लिए करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम दोनों के एग्जांपल लेना चाहें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल है जैसे आप लोग की मम्मी होती है, मेरी मम्मी है, घर पे खाना बनाती है, वो हम लोग सब फैमिली मेंबर्स खाते हैं, हम लोग के फैमिली मेंबर्स के लिए और अपने लिए खाना बनाती है वो लोग। तो वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो खाने को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बना रहे हैं खाना, लेकिन ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यही चीज, यही खाना जो एक शेफ बनाता है और बेचता है रेस्टोरेंट्स में, उसके बदले में पैसे लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो डिफरेंस क्लियर हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो जो हम लोग बेसिकली बात करेंगे बिजनेस की, तो बिजनेस होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम लोग बिजनेस की इन डेप्थ में जाने की कोशिश करें तो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। पहला तो मैंने आपको बताई दिया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए करी जाती है, और भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो बिजनेसमैन को निभानी होती है, लेकिन बेसिक होता है प्रॉफिट अर्निंग। तो हम लोग बेसिक के बारे में बात करेंगे, मेन हम लोग बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो ये बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। अगर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़े तो वो होता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अगर हमको प्रॉफिट कमाना है तो गुड्स बेचना होगा, कुछ बेचना है तो कुछ बनाना होगा। तो कुछ शॉपकीपर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स भी होते हैं और बेचते भी खुद हैं। आपने देखे होंगे मिट्टी के दो बर्तन मिलते हैं, वो लोग खुद बनाते हैं और बेचते हैं, उसके बदले पैसे लेते हैं।
लेकिन हर गुड्स तो खुद बना नहीं सकता शॉपकीपर, तो वो दूसरी जगह से खरीदता है, प्रोड्यूसर से खरीदता है और बेचता है उसको। तो दूसरी चीज होती है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करना ताकि उनको बेचा जा सके। तो पहली हो गई कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, दूसरी प्रोड्यूस करना गुड्स को, प्रोडक्शन जो बेसिकली वर्ड होता है कि प्रोड्यूस करना गुड्स को, और या फिर अगर आप उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो प्रोड्यूसर से खरीदना। काफी सारे गुड्स होते हैं, कुछ डेली यूज के होते हैं और बहुत सारे गुड्स हो गए, सोप हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए अपने, और बहुत सारे जो फूड आइटम्स होते हैं, या फिर बेचने वाला उनको बिजनेसमैन जो होता है वो खुद बनाता है या फिर प्रोड्यूसर से खरीद लेता है। तीसरी चीज होती है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब हमने गुड्स प्रोड्यूस तो कर लिए, अब इनको बेचना है जाके मार्केट में, लेकिन इसमें एक बहुत छोटी सी चीज आती है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर हम लोग को गुड्स बेचना है जाके, अगर हम लोग को गुड्स बनाए मान लीजिए हम लोग ने और उसको हम लोग खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती, वो होती है एक नॉन बिजनेस या फिर कह ले नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने आपको रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दिया था, उसी से समझ लीजिए कि रेस्टोरेंट वाला जो शेफ होता है वो बना के बेचता है, वो होती है बिजनेस एक्टिविटी, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वो गुड्स बना रहा है, बेच रहा है, उसके बदले में कुछ वैल्यू की चीज मतलब कैश, पैसा, मनी ले रहा है खरीदने वाले से, कंज्यूमर से। तो ये होती है बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन अगर मम्मी घर पे खाना बनाए, फिर कोई भी हाउसवाइफ घर पे खाना बनाए और खुद ही उसको खा रहे हैं, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है। मैंने तीन पॉइंट्स आप लोग बता दिए। चौथा पॉइंट आता है कि बिजनेस लोग सोचते हैं बहुत छोटी चीज है, हम लोग रोज बिजनेस जैसे करते हैं, जैसे मेरी पेन खराब हो गई, हमने बगल वाले को दे दिया, उसने हमको 10 रुपए दे दिया, मेरी 5 रुपए की पेन थी, 5 रुपए का प्रॉफिट कमा के आ रहे हैं, हम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। ऐसा नहीं होता है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो रेगुलर बेसिस पे करी जानी चाहिए। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एनी एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट, हाँ, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन अगर हम लोग एक जगह जैसे हमारे पुरानी कोई चीज पड़ी हुई है और उसको हम लोग मार्केट में जाके बेच देते हैं, प्रॉफिट पे भी अगर बेच देते हैं, एक दिन हम लोग ने बेच दिया, तो वो बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस वो होता है जो रोज होता है, भले ही आप प्रॉफिट ना कमाएं, आप शुरुआत में लॉस झेलें, लेकिन बिजनेस वही ऐसी एक्टिविटी होती है जो रेगुलर बेसिस पे करी जाती है। ये उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग अगर बढ़ते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ, तो पांचवें पॉइंट में मतलब होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। सोचेंगे आप इसका क्या मतलब होता है। अनसर्टेनिटी जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका मतलब होता है कि हम लोग को फ्यूचर में नहीं पता है कि क्या होने वाला है। ये भी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। हम लोग ने बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, महंगाई बढ़ गई तो शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज भी हो सकती है, सरप्लस भी हो सकता है, शॉर्टेज हो गई, हमने गुड्स महंगे में बेचे, हमने बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करके रखे तो थे लेकिन डिमांड कम हो गई, लोगों ने खरीदा नहीं, तो हमारा नुकसान हो गया। तो ऐसी भी चीजें होती हैं कि आपको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये भी बिजनेस में इन्वॉल्व होता है कि पता नहीं, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, हम लोग को पता नहीं होता फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सेम बिजनेसमैन के लिए भी होता है कि उनको कोई भी डिसीजन लेने से पहले फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। वो सोच ही सकते, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कि क्या होने वाला है। तो ये पांचवा पॉइंट होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। छठा पॉइंट बहुत ही आसान पॉइंट है और जिसके लिए बिजनेस करते हैं बेसिकली, वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए बेसिकली बिजनेस करा जाता है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मेन मोटिव उसका होता है प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट देना, ब्ला ब्ला ब्ला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना, वो सब सेकेंडरी है। हम खुद खाएंगे तभी तो दूसरे की मदद कर पाएंगे ना, खुद प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो दूसरों का भला सोच पाएंगे। ये एक बिजनेस माइंड होता है। तो पहला जो बिजनेस की इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होता है उसका प्रॉफिट कमाना, उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। प्रॉफिट के बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता ज्यादा टाइम तक। अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो आपको सही बात है कि तुरंत तो प्रॉफिट होगा नहीं, शुरुआत में हो सकता है आपको कुछ लॉस झेलने पड़े। फिर नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने 10 रुपए गुड्स खरीदा, 10 ही बेच दिया। तो ये अकाउंट्स की भाषा में तो अगर हम लोग कहें तो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स में कहते हैं वो अलग बात है, छोड़िए। मतलब 10 रुपए खरीदा, 10 रुपए बेच दिया, ना प्रॉफिट ना लॉस। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआत में थोड़ा झेलना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा चलता जा रहा है तो आप ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तो इसलिए प्रॉफिट अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बिजनेस का।
अब हम लोगों को छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जो भी पॉइंट हुई है, ये होता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क जितना लोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा लोग कहते हैं, सुना होगा सभी ने, आप लोग ने। तो बिजनेस में भी यही चीज होती है, जितना ज्यादा आप रिस्क ले सकते हैं उतना ज्यादा आप रिवॉर्ड भी पा सकते हैं। आपने मतलब रिस्क जरूर इन्वॉल्व रहता है उसमें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने बहुत सारे गुड्स खरीद लिए जो बहुत ज्यादा डिमांड में है, आपको लगा कि बहुत ज्यादा अच्छे प्राइस पे बिक सकते हैं, लेकिन कोई फ्लड आ गया, कोई मार्केट कंडीशंस में चेंजेस आ गए, कोई साइक्लोन आ गया, तो आपके नुकसान भी हो सकता है आपका इससे। तो रिस्क इन्वॉल्व होता है बिजनेस में, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, रिस्क इन्वॉल्व होता है। हाँ, उसके वॉल्यूम से उसका असर पड़ता है, अगर आप छोटा बिजनेस पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको रिस्क जो होगा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आप बड़े बिजनेस पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन बड़े बिजनेस पे वो रिस्क उठाने से आपकी रिवॉर्ड ज्यादा भी आप पा सकते हैं। अगर वो रिस्क जो है, रिस्क जितना रहता है उतना रिवॉर्ड रहता है, अगर कम रिस्क है तो कम रिवॉर्ड रहेगा, ज्यादा रिस्क होता है तो आप ज्यादा रिवॉर्ड भी कमा सकते हैं। इसीलिए तो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं इंडिया में, ना कोई पागल थोड़ी ना है जो रिस्क लेगा, क्योंकि जितना रिस्क होता है उतना रिवॉर्ड होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बिजनेस की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक है सभी को समझने के लिए, क्योंकि बिजनेस भी ऐसा सब्जेक्ट होता है आप समझ के पढ़ेंगे ना बहुत मजा आएगा, रटने जाएंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, समझ के पढ़िए, इमेजिन करके पढ़िए, एक दुकान अपने मोहल्ले में है उसको सोच के पढ़िए, बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे आप। तो बेसिकली हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली और बिजनेस की बात कर ली कि वो होता क्या है। अब बिजनेस की बात हम लोग ने कर ली, अब हर कोई तो बिजनेसमैन होता नहीं है, अब आपके घर में भी कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ किसी के अंडर काम करते होंगे, कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, सीए होंगे, लॉयर होंगे, तो उनको थ्री कैटेगरीज में बांटा गया है। तो पहला तो बिजनेस मैंने आपको बता दिया, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है, और वो रेगुलर बेसिस पे करी जानी चाहिए, और उसका मेन काम होता है प्रॉफिट कमाना, बेसिकली वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब दूसरा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर्स अ स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज और स्किल, उसको हम लोग कहते हैं प्रोफेशन। और जो प्रोफेशंस होता है, प्रोफेशनल बॉडीज जो होती हैं उसके अंडर जो प्रोफेशनल्स, हाँ तो प्रोफेशन मैंने आपको बताया क्या होता है, उसमें जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको प्रोफेशनल्स कहते हैं, और प्रोफेशनल के बाद प्रोफेशनल बॉडीज एक टर्म होता है, मतलब जो बॉडी, जो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोफेशन को मतलब होल्ड करके रखी है, उस प्रोफेशन की, उस प्रोफेशन को वो डिफाइन करती है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल अगर लें तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। जो लॉयर्स होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं वही सब चीजें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। और तीसरी होती है अपना सीए जो होते हैं उनको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो वो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस और कोड ऑफ कंडक्ट उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली होते हैं प्रोफेशनल्स, या प्रोफेशनल्स जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में उनको प्रोफेशनल्स बोलते हैं। और प्रोफेशन का मतलब होता है ऐसी कोई एक्टिविटी या ऑक्यूपेशन जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ स्किल और नॉलेज चाहिए, और जो प्रोफेशनल बॉडीज ने जो लेड डाउन करे हुए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस और कोड ऑफ कंडक्ट उनको फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली हम लोगों ने बिजनेस की बात कर ली, हम लोगों ने प्रोफेशन की बात कर ली। अब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय सभी आप लोग ने सुना होगा कि ये इसका एम्प्लॉय है, ये उसका एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय का बेसिकली मतलब होता है किसी और के लिए काम करना और पैसा लेना उसके बदले में, अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें इसकी, सो कॉल्ड अंग्रेजी लैंग्वेज में। तो एम्प्लॉय कैन, एम्प्लॉयमेंट कैन बी डिफाइंड एज वर्किंग फॉर समवन एल्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। रेम्यूनरेटेड का मतलब होता है बदले में सैलरीज और वेजेस लेना। जैसे अगर कोई फैक्ट्री के अंदर कोई जो वर्कर्स काम करते हैं वो उस फैक्ट्री के एम्प्लॉय होते हैं, और जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं उसके अंडर वो काम करते हैं, तो ये कहा जाता है जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं उन्होंने उन वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट। हम लोगों ने तीनों चीजों के बारे में बात कर ली है, ये पार्ट वन था वीडियो का, ये चार पार्ट तक चलेगी और आप पूरा पहला चैप्टर अच्छे से समझ लीजिएगा। मानता हूं वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा, सब समरी बता देंगे, लेकिन बिजनेस में आप लोग को भी पता है कि अगर आप अच्छी तरह से इलैबोरेटेड पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो
तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो वीडियो देखिए, 10-15 मिनट निकालिए अपना, मैं भी अपना काफी टाइम निकाल रहा हूं, तो आप भी 10-15 मिनट निकालिए, वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा, अच्छे से रिविजन होगा। वीडियो देखिए एक बार, चैप्टर को रीड करिए, जितना मैं पार्ट बनाता जाऊंगा उसको रीड करते रहिए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, अच्छा आप लोग की तैयारी होगी, क्योंकि 10 दिन पहले वीडियोस बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन अगर 1-1.5 महीने पहले हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो उसका कुछ मोटिव है ना, हम लोग ने भी कुछ सोचा हुआ है, अच्छा करें ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं ये। तो हम लोग ने आज बात कर ली बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और 3 चीजों का हम लोग ने कंपैरिजन किया जो होता है प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। तो इस वीडियो पे हम लोग टारगेट रखते हैं करीब 40 व्यूज 10 लाइक, ज्यादा लालच नहीं करेंगे, नया चैनल है, 40 व्यूज 10 लाइक, पार्ट टू बहुत जल्दी आएगा, आप लोग बस प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लाऊंगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, थैंक यू, बाय बाय।